हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए टाइम 5:10 और हमें निकलना है, तो बोलते हैं बताती हूँ जाने के बाद, पहुँचने के बाद। तो भाई अब हम आ चुके हैं, नवीन और मैं पहले आए थे बाइक पे, जहाँ पर हमारी बस आने वाली थी 6:30 पे। और देखिए इसके पापा अविका के पापा बाइक खड़ी करने के लिए गए हैं, तो मैं वही देखने के लिए जा रही हूँ कि वो आए हैं या नहीं, कहीं बस ना निकल जाए, मिस हो जाए तो फिर और वेट करना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। और ब्लॉग में बने रहना, बताते हैं हम आज कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का हमारा टूर है आज का। अचानक से ही प्रोग्राम बना है, तो चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और देखिए अब हमारी बस आ चुकी है, नवीन अपने स्कूल वाली बस में जा चुका है और हमने दूसरी बस ली थी। और देखिए अब हम दोनों बैठे, सीट भी हमें मिल गई थी। बाय चांस एक पैसेंजर को उतरना था, हम 5 ही मिनट थोड़ी देर खड़े रहे थे, फिर हमें सीट मिल गई थी। तो भाई अब देखिए सफ़र एंजॉय कीजिए, आप मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। और अब देखिए अब हम घर पे आ चुके हैं अपना काम फिनिश करके। बताती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में कि हम किस लिए आए थे, कहाँ गए थे अचानक। ये देखिए मम्मी ने अपने हाथों से हमारे लिए खाना इतना टेस्टी बना के ऑलरेडी रखा था, मम्मी को पता था कि सुबह के चले हुए टाइम से। तो हम देखिए सारा काम कंप्लीट करके ही घर पे आए थे, ताकि तसल्ली से अपना आराम से खाना वाना खाएंगे और आज हम यहीं स्टे करेंगे। ये देखिए मम्मी ने बनाए हैं एकदम लाजवाब छोले बनाए हैं, हम अक्सर काले खाते बनाती हूँ मैं तो, लेकिन मम्मी ने देखिए येलो बनाए, इतने अच्छे बने। और ये हलवा बना रखा है मम्मी ने, सूजी बेसन का मिक्स हलवा, ये बूंदी का रायता और ये पालक पनीर, अविका के पापा की फेवरेट डिश है ये। और देखिए ये बटेर की थाली हमारी रेडी हो चुकी है, इनकी थाली मैंने लगा दी है और मैं यश को बोल रही हूँ अपने पापा जी को खाना दे के आओ। अब देखिए अब हम करते हैं अपना लंच इंजॉय। आपको भी अगर भूख लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना किस किस के मुँह में पानी आया है। चलिए भाई हम करते हैं सारे के सारे अब लंच, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, अब करते हैं हम लंच, क्योंकि सुबह हल्का हल्का नाश्ता ही करके चले थे, चाय बिस्किट लिए थे। और देखिए बटेर की थाली है भाई, थोड़ा सा देसी घी तो बनता है मैं तो भूल गई थी लेकिन मम्मी ने याद दिलाया था। अब देखिए ये है शाम का टाइम और शाम को मैंने बनाई थी आज दो दो सब्जियाँ बनाने की जिम्मेवारी थी मेरी। तो देखिए मम्मी ने पालक उबाल दिया था और झटपट से दो सब्जियों का छोंक मैंने क्या किया, चलो ये दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने छोंक एक साथ रेडी किया है ताकि दोनों का अलग से बर्तन ना करना पड़े छोंक के। देखिए सबसे पहले मैंने ये क्या है, ये है मेरी फेवरेट, बताइए आप पता चल गया होगा, कटहल। देखिए काट के इसको पूरा टाइम लगा था मुझे, 20-25 मिनट लग गए थे, मोनी ने भी साथ में करवा दिया था। और देखिए सबसे पहले हम इसे कर रहे हैं फ्राई, इसको अच्छे से फ्राई करके बनाया है, उबाल के भी बना सकते हैं लेकिन मैंने कुछ स्पेशल करते हैं, चलिए फ्राई करके और भी अच्छा लगता है। तो देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और आगे का प्रोसेस आप खुद ही देखिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। और देखिए हमारी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है कटहल, इसका बीज वगैरह से जो प्लास्टिक उतरता है ना एक पापड़ सा, वो भी मैंने अलग कर लिया ताकि खाने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इधर आलन लगा दिया है साथ के साथ साग में, पालक का साग है ये। और भाई हाँ ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि हम आए किस रीज़न से थे, क्या कारण था, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। कारण ये था भाई, ईशू के स्कूल में PTM थी तो बच्चे के पेरेंट्स को बुला रखा था, कुछ साइन वगैरह करवाने थे, इस वजह से हमें अचानक ही आना पड़ा। तो वो काम करके हम घर पे आए थे, तो हमने सोचा कि आज यहीं पे स्टे करते हैं और सुबह जाएंगे, क्योंकि मम्मी ने भी जिद करी थी कि भाई आज तो जाना ही नहीं, आज जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद कम से कम लगभग 1 साल के बाद आए थे, तो ये रुके थे हम दोनों, यहाँ रुके थे, सुबह मॉर्निंग में टाइम से ही चलेंगे। और देखिए मेरे इसमें मैंने प्याज टमाटर, तो भाई मसालों की खुशबू उठ चुकी है, ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, प्याज के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक हरी मिर्च वगैरह डाल रखी थी। और जितने भी मसाले आप देख रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, ये
ये सारे मसाले मैंने चौक में डाल दिए हैं। और पेस्ट जब टमाटर प्याज का साथ में रेडी हो जाएगा ना, तो यही वाला पेस्ट मैं आलन में डालूंगी। मैंने कोई अलग से छौंक का बर्तन नहीं करना है, इसी में से छौंक आलन में पालक वाले साग में मैं तैयार होने के बाद डाल दूंगी। तो खुशबू बहुत अच्छी उठ रही है और गैस मैंने नीचे रख ली है, क्योंकि काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता और गर्मी भी, यहाँ बाहर पंखा लगा हुआ है तो उसकी हवा भी साथ साथ आ रही है, इसलिए मैं बैठ के बना रही हूँ। और देखिए खुशबू बहुत अच्छी उठ रही है, तो भाई खुशबू अब तक पहुँच गई हो तो एक लाइक अभी कर दीजिए। तो चलिए भाई करते हैं अपनी सब्जी रेडी और मिलती हूँ आपसे बस थोड़ी सी देर में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. बेस्ट ऑफ लक। क्या करना है? यश बोतल बोतल। अब देखिए यश अपनी बोतल भूल गया था, वो दे दिया उसको। और देखिए यहाँ हमारी भी तैयारी हो चुकी है, अब हम भी निकलते हैं। मन तो लेकिन कर नहीं रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। अब देखिए अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है। अब मिलते हैं आपसे वापस ससुराल में जाने के बाद। और अब देखिए भाई ये है दोपहर का टाइम और मम्मी जी जो हमने आपको, आपने देखे होंगे लास्ट व्लॉग, तो मैंने आपको दिखाई थी कि मूंग की दाल जो हमने करी थी, ये देखिए मम्मी उस दाल को ही दल रही हैं। देखिए ये दली हुई दाल है बिल्कुल, इसको छान लेंगे। जो थोड़ा बहुत इसमें आटा होता है ना, वो तो हम आटे में डाल के अच्छे से गूंद के रोटियां बना लेंगे और जो दाल है वो अलग हो जाएगी। देखिए घर की मिक्सी का, घर की चक्की का कितना फ़ायदा है। और देखिए दाल हमने मूंग के छिलके वाली अलग कर ली है। और देखिए अचानक से बारिश आ रही है, देखिए बिल्कुल धूप की कोई अंदाज़ा नहीं था कि बारिश आ जाएगी। ये देखिए बहुत ही ज़ोरों से बारिश आई थी, क्योंकि गर्मी इतनी हुई है बहुत ज़्यादा, पसीने तो सूखते ही नहीं है, तो पंखे के नीचे बैठे रहते हैं फिर भी पसीने आते रहते हैं। देखिए बारिश और मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है, सुहावना मौसम है, बहुत अच्छा है मौसम। और दिखाऊँगी मैं आपको छत पर भी जाके, मैं गई थी ऊपर छत पे नहाने के लिए, थोड़ा सा बारिश को एंजॉय किया मैंने भी। और देखिए बारिश, आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एंजॉय कीजिए बारिश को। और मैं चलती हूँ छत के, छत पे चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे ऊपर। और फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ मिलते हैं आपको। और चलिए अब मैं आ गई हूँ छत पे इंजॉय करते हुए बारिश का। ये देखिए ये लाइफ छोटी सी है, एक एक पल को आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि इस ज़िंदगी का कुछ नहीं पता आज है या कल नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।